दोस्तों आप सभी को हमारे चैनल के और एक न्यू ब्लॉग में स्वागत है। तो आज हम लोग का प्लान था जाने का मुकुट मणिपुर ब्लॉग के लिए, तो आज हम मतलब जा नहीं सके, वेदर सही नहीं है, मतलब बारिश हो रहा कल से लगातार और अभी भी ऐसे ही चल रहा, तो सोचा कुछ तो ब्लॉग देना पड़ेगा, इसीलिए निकल पड़े हैं देसी स्टाइल में। आप देख सकते हैं ऐसा लगा आप सबको ये स्टाइल देसी वाला, कॉमेंट जरूर कीजिए। तो आज मेरा प्लान आप सबको दिखाने का मतलब एक रेनी डे गाँव का कैसा होता है वो दिखाने का। तो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, ब्लॉग पे बना रहिए, मुझे नीचे भी ध्यान देना पड़ रहा है, स्लीप हो रहा फिर, तो चलिए वीडियो पे कंटिन्यू रहे। तो दोस्तों फिलहाल अभी तो बारिश कम चुकी है, बारिश अभी लगभग ना ही बोले तो चलेगा, तो इसीलिए घर से निकल सके, वरना अभी प्लान तो था हम लोग का मुकुट मणिपुर जाने का जैसे कि आपको पहले ही बताया, बट नहीं जा सके, देखते हैं कब जा सकते हैं। तो अभी फिलहाल आप सबको वीडियो देना था इसीलिए आ चुके हैं अपना गांव के अपने खेत तरफ। तो चलिए आपको यहां के कुछ सीन दिखाते हैं कि गांव में अगर बारिश होता है तो किस तरह का सीन रहता है, कैसे लोग मछली पकड़ते हैं, फिर हर एक चीज़ आपको दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों इधर हाल फिलहाल में ही रुपाई का काम चारों तरफ हो चुका है, हर खेत में आप देख सकते हैं रुपाई का काम कम्प्लीट हो चुका है, ये सीन है। और ये जो सामने आप खेत देख रहे हैं ये अपना ही खेत है, तो यही कुछ सीन है यहाँ के अपना गांव का खेतों का। तो चलिए वीडियो पे बने रहिए, हम आपको आगे चलकर किस तरह से बच्चा लोग मछली पकड़ता है बरसात के दिन में वो भी दिखाने वाले हैं। तो चलिए तो दोस्तों अधिकतर खेतों में रोपाई हो चुकी है और यहाँ एक खेत में रोपाई का काम चल रहा है, तो चलिए आपको दिखाते हैं रोपाई का काम किस तरह से होती है। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं ये सब धान का छोटा छोटा चारा है, ये सबको इधर खेत में रोपाई किया जा रहा है, चलिए आपको सामने से दिखाते हैं। तो यह आप देख सकते हैं ये दो तीन पौधा एक साथ लगाया गया चारा सब कुछ डिस्टेंस मेंटेन करके, तो यही है सीन इस तरह से रोपाई किया जाता है। आप देख सकते हैं पूरा लगभग 70% खेत में रोपाई का काम हो चुका है और ये लोग बारिश हो रही है इसीलिए इधर आ जा रहे हैं। दोस्तों बारिश हो रही है इसी कारण से इधर एक बच्चा चढ़ चुका है जो मतलब बड़ का पेड़ है उस पर, आप देख सकते हैं, हाथ दिखा दो अपना, ये है बच्चा। तो बारिश छूटने के बाद आप सबसे मिलते हैं। कुछ बच्चा लोग मिला है, चलिए इनसे पूछते हैं, इन लोग इतना बारिश में इधर जमीन में क्या कर रहे हैं खेत तरफ। तो तुम लोग इधर क्या कर रहा है? मछली पकड़ रहे हैं। अच्छा मछली पकड़ा? हाँ। किधर पकड़ रहे हो? उधर में। चलो दिखाओ मेरे को। चलो चलो आगे आगे चलो। जो आप सामने देख सकते हैं तालाब, ये अपना ही तालाब है, इसमें तालाब में पानी भर के पूरा पार हो रहा है और इधर ये लोग मछली पकड़ने के लिए कुछ जुगाड़ लगाए। तो ये बच्चा लोग, तुम लोग कब से मछली पकड़ रहा है? रात से। ठीक ठीक, तो चलिए इन लोग कैसे मछली पकड़ रहा है आपको दिखाते हैं, मछली उछली लगाया कि नहीं, मछली लगाया कि नहीं, कितना डो लगाया? वाह वाह क्या बात है, वाह बेटे मौज कर दी। चलिए देखते हैं, आप देख सकते हैं इधर तालाब से पानी पार हो रहा है और यही पानी इधर ये लोग, इसको बंगाली में पाटा कहते हैं, पता नहीं हिंदी में क्या कहते हैं, तो आपको सामने से दिखाने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप देखे कि मछली उधर जो पाटा था उसमें लगा हुआ था, तो यही कुछ सीन है, मछली इस तरह से पकड़ते हैं। और चलिए आपको कुछ यहाँ का सिनेमैटिक शॉट दिखाते हैं, सिनेमैटिक शॉट पहले एंजॉय कीजिए, फिर आपको और भी चीज़ दिखाने का प्रयास करेंगे।
आज का ब्लॉग यहीं पे एंड होता है। आशा करता हूँ आप सभी को पसंद आया होगा ब्लॉग। तो आज हम लोग बाहर जाने वाले थे ब्लॉग पे, बट नहीं जा सके, इसीलिए नहीं हुआ। तो क्या हुआ, अपने गांव का जो बरसात का दिन होता है वो चीज़ दिखाए। आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो यहाँ मेरे दो छोटे छोटे दोस्त हैं, आप भी बता दीजिए चैनल को लाइक करें। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय बाय।